तो पहले भूपेंद्र आपके पास आ रही हूं, आप क्योंकि अहमदाबाद में मौजूद हैं, जरा मुझे समझाइए गुजरात का समीकरण तो मैं समझना चाहूंगी ही कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतने के बाद क्यों कांग्रेस का जोश इतना हाई है कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में उन्हीं को हराने का दम भरते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं लिख के ले लो इस बार हरा देंगे। तो गुजरात का समीकरण आपसे समझूंगी, आज पूरा क्या शेड्यूल रहेगा राहुल गांधी का, क्योंकि अमित शाह भी गुजरात में ही मौजूद हैं। बिल्कुल पूजा, आज दो दिग्गज जो है वो राजनीति के अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर मौजूद हैं। अमित शाह चूंकि यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और केंद्रीय गृह मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया, वो आज यहाँ पर सहकारिता दिवस मना रहे हैं। और इसके साथ साथ राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में भले ही राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आए, लेकिन अब जिस तरह से उनके हौसले बुलंद हैं और उन्होंने गुजरात जीतने की चुनौती दे दी है, वो उस चुनौती के बाद में तुरंत ही चार दिन के बाद में यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। उसके पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं पूजा, आप देख सकती हैं ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है। शायद ही कभी यहाँ पर इतनी इस तरह की रौनक देखने को मिलती है, चुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रौनक नहीं देखने को मिलती, लेकिन आज देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदेश कार्यालय जो है वो गुलजार है। यहाँ पर तमाम जो है वो तोरण लगाए गए हैं, मंडप बनाया गया है और चारों तरफ जो है वो राहुल गांधी के स्वागत में पोस्टर्स जो है लगाए गए हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है उनका एक तरह से कह सकते हैं जोश एकदम हाई दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपने पूछा कि आखिरकार क्या वजह है कि किस तरह से ये जो है वो चुनौती दी जा रही है, ये देखिए ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, क्योंकि चार दिन पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पथराव हुआ है। ये वही परिसर है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने थे और करीबन 25 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और उसके बाद दोनों तरफ से पुलिस की शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत ये भी थी कांग्रेस की कि उनकी शिकायत को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने जेल भरो आंदोलन का आह्वान दिया था, लेकिन शिकायत ले ली गई तो वो आह्वान नहीं दिया गया और उसी के मद्देनजर राहुल गांधी को बुलाया भी गया था। और राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, दूसरे दिन जब पथराव हुआ तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहां पर हुई घटना जो है उनके बयान की पुष्टि करती है। तो ये एक अभी ताजा हालात है। जिस तरह की बात आपने कही कि आखिरकार क्या वजह है, किस तरह से ये कह रहे हैं, तो ये कहना जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि जो 2017 के चुनावों में कांग्रेस 77 सीट पर आई थी, वो कांग्रेस 2022 के चुनाव में 17 सीटों पर सिमट गई और उसमें से भी 5 विधायक चले गए हैं, 12 की संख्या उनकी रह गई है। अगर अब भी ये सब नहीं किया जाता है, अब भी इन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरा जाता, तो कांग्रेस अपने वजूद को जो है यहाँ पर खो देगी, उनके अस्तित्व की लड़ाई जो है वो एक तरह से शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं बता दूं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौरान भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर रहती थी, 40 से लेकर 63-61 तक सीटें जो है वो उनके अलग अलग चुनाव में वो लेकर आए हैं, उनका वोट शेयर जो है वो 40% के आसपास रहता था। लेकिन 2022 के चुनाव में जो उनकी दुर्गति हुई है, 27% वोट शेयर जो है उनके रहे हैं, और हालांकि इसमें एक फैक्टर जो है वो उसने जरूर काम किया, आप पार्टी अब जिसके साथ जिसको साथ लेकर गुजरात जीतने की चुनौती जो है वो राहुल गांधी दे रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कंपटीटर थी और उसी ने सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो कांग्रेस को किया, क्योंकि 13% का वोट शेयर जो है वो पिछले चुनाव में आप पार्टी ने हासिल किया, जो कि 2017 के चुनाव में 0.1% वोट शेयर के साथ में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 29 सीटों पर एक प्रयोग के तौर पर उन्होंने लड़ा था, लेकिन 2022 के चुनाव में वो अच्छी खासी ताकत के साथ उतरे थे और 5 सीटें भी लेकर आए और 35 ऐसी जगह थी जहां पर वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे। उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ और यही वजह है कि उनका जो वोट शेयर कभी 40 के आसपास रहता था, 35 से 40 के, वो वोट शेयर 27% में घट गया, 13% वोट शेयर जो है वो आप पार्टी को मिला, तो 27 और 13 ये मिला के 40 हो जाता है। तो जो वोट शेयर का नुकसान हुआ कांग्रेस को वो आपके खाते में गया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप पार्टी उनको कितना ज्यादा नुकसान कर सकती है। अब सब मिलकर अगर इंडिया गठबंधन यहां पर चुनाव लड़ता है तो भी एक तस्वीर पूजा देखनी होगी कि अब तक के जितने भी चुनाव रहे, चाहे 2022, 2017, 2000 उसके आसपास के जो 12 के चुनाव है, तमाम चुनाव आप देख लेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 50% के आसपास रहता है या उससे ऊपर रहता है और कांग्रेस का 40%, 8-10% का वोट शेयर का अंतर जो है वो लगातार पिछले कई सालों में
95 से लेकर अब तक की अगर मैं बात करूं तो ये बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जिसको पाटना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहां पर यह भी जरूरी हो जाता है कि अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो जाता है कि चूंकि हौसले बुलंद हैं, जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ा हुआ है। एक और एक सीट, जिस तरह से इस बार क्लीन स्वीप की बात की जा रही थी, 5 लाख की लीड की बात की जा रही थी, वो बीजेपी नहीं कर पाई। वहां पर एक सीट उनको गंवानी पड़ी, गनीमेन ठाकुर जो है जीत के आई बनासकांठा से, तो वहां उसकी वजह से भी हौसले बुलंद है। कहीं ना कहीं अब जो जोश इनमें पैदा हुआ है, अगर इसको कैरी ऑन नहीं किया गया, अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको इसी तरह से आगे चल के लड़ाई में तब्दील नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं के अंदर जो है उनकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर वापस से एक निराशा का माहौल आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और शायद राहुल गांधी इस चीज को भाप चुके हैं। पहली बार जब वो भारत यात्रा निकले थे तब गुजरात में चुनाव था, उसके बावजूद वो गुजरात में नहीं आए थे। अब की बार जब दूसरा चरण निकाला भारत यात्रा का, तो वो गुजरात के कई ऐसे बेल्ट से होकर गुजरे जहां पर कांग्रेस की वोट बैंक बहुत मजबूत हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं लोगों ने उनको सुना, उनके बीच में गए, राहुल गांधी भी उन लोगों से मिले, मुखातिब हुए, उनकी बातें सुनी और अपनी बातें भी उनके सामने रखी, तो वहां से भी उनको एक अनुभव हुआ है। और दूसरी बात, अब की बार जिस तरह से गनीमेन जीत कर आई है और कई जगहों पर बीजेपी जो है वो हारते हारते बची है, जीती जरूर है लेकिन उनकी जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा है, तो ये तमाम चीजें विश्लेषण जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को हिम्मत जरूर दे रहे हैं। और उनका एक गणित ऐसा है कि अगर उन्होंने यूपी में इस तरह का समीकरण कर बीजेपी को मात दे दी है, तो वो प्रयोग हो सकता है गुजरात में भी करने की कोशिश की जाए। और कहीं ना कहीं अगर वो जो है बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं होते, तो इतना तो जरूर है कि वो अपनी मजबूत स्थिति, एक बार जिस स्थिति में वो थे 77 सीटों तक आ सके थे, 99 सीटों में 2 अंकों की सीटों में बीजेपी को उन्होंने सिमटा दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये पार्टी धरातल में जाती रही। अगर मैं पिछले 95 से लेकर अब तक की बात करूं तो 200 नेता जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो कांग्रेस को ही हरा रहे हैं, उन्हीं के सामने लड़ रहे हैं, ऐसी मजबूत स्थिति। ये एक सिनेरियो जो है वो भी बदलने की बहुत जरूरत है कि आखिरकार ऐसे अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। हार्दिक पटेल आए थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत मजबूती दी थी, लेकिन क्या हुआ, वो छोड़कर चले गए। अल्पेश ठाकुर आए थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत मजबूती दी, वो छोड़कर चले गए। तो इस तरह की तमाम चीजें कैसे रोकी जा सकती हैं, तो राहुल गांधी जो अब तक गुजरात से दूर रहा करते थे, उन्हें गुजरात में आना होगा और अपनी स्थिति को जो है अब मोर्चा उन्हें संभालना होगा। क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं, यहां पर उनकी पकड़ भी बहुत मजबूत है, गुजरात से निकले हुए नेता हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सके, क्योंकि गुजरात में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जाता है। यहां पर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में किस तरह से मुख्यमंत्री बदले गए, जिनका कोई यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि महत्व नहीं है, कई जिसे कोई जानता भी नहीं है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, और उसके बावजूद बीजेपी 156 सीटें जीत के लाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मुकाबला गुजरात की सरकार से नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करना होगा तो राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ेगा, और अब चूंकि वो जोश से लबालब है, विपक्ष के नेता बन चुके हैं और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो जरूर जाहिर सी बात है वो एक कोशिश जरूर करेंगे। और जिस तरह से आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ा है, तो ऐसे में अब वो यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से जो है हर सिरे से आपने समझाने की कोशिश रखी है।